मेरा घर का, दो मकान, 30 बेड, और लड़का का भी एक मकान जल गया, एक गाय खाना जल गया। पार्टीशनिंग होने की वजह से ये यहाँ पर इतने घर तबाह हो चुके हैं। अभी इन घरों के पास जो माल मवेशी था वो भी ख़त्म हो गया, और जो मकान थे वो पूरे ख़त्म हो गए। तकरीबन ये 13 घर यहाँ पर जले हुए और ख़त्म हो गए। 13 घरों में से एक घर को अभी तक कोई रिलीफ नहीं आया, 12 घर को दिया, एक को नहीं आया। अभी हमारे स्कूल भी बंद है सर, बच्चे भी ख़राब हो गए। अभी हम स्कूल भेजेंगे बच्चे तो हमारे गांव में कोई बैंकर भी नहीं है सर। अगर हम उसको अभी कम से कम इस जगह पे अगर शेलिंग हो गया हमारे गांव में, कम से एक एक घर को अपना बैंकर होगा। वो अचानक रात में शेलिंग हो जाती है, वो यहाँ से भागता है, यहाँ से कहाँ जाएगा सर, भाग के दूसरे गाँव में, तब तक वो तो कितना नुकसान होगा। क्या शेलिंग होती रहती है या अभी? इस साल ज़्यादा हो गया, इस साल ये घर जल गया हमारा, नहीं दाएँ बाएँ पड़ते रहता है। तो क्या यहाँ गवर्नमेंट से कोई आया शेलिंग होने के बाद में? हाँ आया है, तहसीलदार साहब आया, SDM साहब आया, सब आया है। उन्होंने क्या कहा, कुछ कॉम्पेंसेशन? थोड़ा बहुत रखा है कॉम्पेंसेशन, थोड़ा बहुत। उससे क्या, लेकिन आपका मकान फिर से बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, कहाँ बन पाएगा। आज 500 रुपया एक मजदूर लेता है, दिन छोटा है। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। ये पता नहीं चला कहाँ से आया शेलिंग, क्योंकि पूरा छुपा हुआ था मकान के नीचे, कोई कलवर ये पुल के नीचे थे, कोई इधर जंगल में थे, कोई छुपा हुआ था जब तक मकान जल गया था। पानी भी उस वक्त शॉर्ट हो गया, पानी के पाइप के ऊपर मैन पड़ गया, पानी भी शॉर्ट हो गया, पानी नहीं मिला। तो किसी को चोट वगैरह लगी यहाँ पर? लड़का को हो गया मेरा। क्या हुआ उसको? उसको यहाँ पर चोट लग गया, यहाँ तक पहुँच गया। गुलाम हसन चौपान। तो यहाँ पर क्या कोई हॉस्पिटल वगैरह है जहाँ पर इलाज उनका हो? थोड़ा बख्तौर में है नॉर्मल हॉस्पिटल, उतना कहाँ इलाज है, गुरेज में ले ले। तो आप कहाँ रहते हैं? जिन लोगों के मकान यहाँ जल गए वो तो कुछ बांडीपुर चला गया, कुछ यहाँ पर है दाएं बाएं, जमीन इधर है, मकान इधर है, सब कुछ इधर है, कहाँ जाएगा, कौन देगा जगह। बहुत महंगा जमीन भी मिलता है आगे, उतना पैसा कहाँ आएगा। तो आपका सामान कुछ बच पाया घर से? बिल्कुल नहीं, खाली जान निकल गया। ये थोड़ा कपड़ा शपड़ा गांव वालों ने मदद कर लिया, उनको उन्होंने दिया पुराना कपड़ा, नहीं तो नंगा था हम। शेलिंग गई क्या पता, हो दिखा तो वो बम हकुस मकान मज इमी कोर यप सर्स मार पत् खत यप लू ये मोत मिस बम गो ये यप खत पत् लू तो गई यप नीरत। किसी ने वेंटर के स्टैंड किया था, लकड़ी का स्टैंड किया था, चावल का स्टैंड किया, आटा का स्टैंड किया, तेल वगैरह ये खरीदना पड़ता, 6 महीने के अंदर पूरा 6 महीने अंदर रखना पड़ता था। ये पूरा उनका सड़ गया, जल गया, अभी कहाँ से लगे। जब अगर गवर्नमेंट कोई देगा, कुछ देगा तो फिर इनका गुजारा हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा तो ये बेचारे क्या करेंगे। इनके पास कोई गुजारा नहीं है, कुछ गुजारा नहीं है, बूट नहीं थे इनके पास। ये देख बच्चा जो था के बगैर जो यहाँ पर घर जल गए, इनका जो परिवार है अभी जगह यहाँ पर कोई जगह उनको बैठने के लिए नहीं है, क्योंकि ये गांव पूरा तबाह हो गया। जो बचे घर वो भी ख़त्म हो गए, उनको स्प्लेंडर लग गए, तो उनमें भी रहने के लिए जगह नहीं था। फिर कोई जा रहे बांडी में, वहाँ पर भी पैर पकड़ने पड़ते हैं, वहाँ पर भी जगह ढूंढना पड़ता है उनको। यहाँ पर दवाई का भी कुछ साधन नहीं है, यहाँ पर कोई दवाई का दुकान भी नहीं है, जिससे हम डॉक्टर लिख कर दे देगा दवाई के लिए, उसको लाएंगे, दवाई भी नहीं मिलता यहाँ पर। ये बोलते हैं अभी हमको शेलिंग होते ही भागना पड़ता है। अभी हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि अगर हमारे कहीं थोड़ा बहुत जो सेफ जगह होगा वहाँ पर ज़मीन, हमने वो ज़मीन का भी बताया था कि हमें वहाँ ट्रागबल में पीर बाबा से उस तरफ थोड़ा ज़मीन था, अगर हमको वो थोड़ा थोड़ा मिलेगा, जो कि हम एक एक कमरा बनाएंगे उसमें। ये हमने
अपील किया था गवर्नमेंट से, हम करते भी हैं पूरे यहाँ पर, ये हमारी गुजारिश है। आपको आर्टिकल 370 के बारे में कोई भी जानकारी है? हमारे पास कोई जानकारी नहीं है इस इसमें, क्योंकि हम बस यही शेलिंग हो गया इसके बारे में पता लगे, नुकसान हो गया, बाकी चीज़ के बारे में हम क्या बताएगा, हम तो छोटे मोटे मजदूरी कर रहे हैं, मैं भी मजदूरी कर रहा हूँ।